यूपी सिटी न्यूज। अंतिम अरदास है, 13वीं है, वाहेगुरु का नमन होगा वहाँ ग्रंथ साहिब का और जो शहीद हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तक उनको इंसाफ मिला है कि नहीं मिला सर? हाँ मिला, जब मंत्री खुलेआम हो गए। जैन जी, जिस तरह से मंत्री है वो, जैन जी, जिस तरह से मंत्री के बेटे को पुलिस ने जेल भेज दिया, उसके बावजूद भी आप लोग सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह, क्यों आरोप लगा रहे हैं? यूपी पुलिस का अपना एक काम करने का तरीका होता है, कभी मैंने देखा नहीं इतने संगीन अपराध में घर में कोई मुलजिम हो घर के बाहर नोटिस चिपका के वापस लौट जाती है। 5 दिन लगते हैं तब भी पुलिस उठा के नहीं ले गई, वे खुद टहलते टहलते जो है क्वेश्चनिंग के लिए पहुँच रहे हैं, 3 दिन का रिमांड लिया है। और जो संगीन धाराएं बनती हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये आतंकवादी हमला था, वो धाराएं तो लगा ही नहीं। जैन जी, जगह जगह आपको भी रोकने का प्रयास हो रहा है, अन्य नेता जा रहे हैं। एक घंटा बरेली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, कहीं ना कहीं जैन क्या गुनाह करना चाह रहा हूँ? क्या मेरे खिलाफ कोई 302 का मुकदमा है, कोई 120 का मुकदमा है, कहीं दंगा भड़काने का मुकदमा, कहीं किसी देश के थाने में कोई मुकदमा नहीं मेरे खिलाफ? मुझे आप बंदी बनाना चाहते हो और गृह मंत्री भी 302 है। सर क्या लगता है कि ये आंदोलन और लंबा खिंचेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो लोग तो करेंगे आंदोलन, जब तक न्याय नहीं मिलता। जैन जी, आपकी आखिरी मांग क्या है कि क्या होना चाहिए तब आप लोग समझेंगे कि किसानों को न्याय मिला है? ऐसे मंत्रियों को ना बनाए मोदी जी, इस लायक नहीं, मंत्रिपरिषद से बाहर उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस परिवार को पूरा न्याय। सर आज अखिलेश की जो रथ यात्रा शुरू हो रही है, क्या कहना चाहूँगा? अच्छा है, कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों को भी जाना चाहिए, बढ़िया बात। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।